नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक फ्रेशर अकाउंटेंट किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो अप्लाई करने से पहले उसको GST से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो उसे GST से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें होती है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ केवल बेसिक क्वेश्चंस के ही बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम GST से रिलेटेड एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज की जो वीडियो हमारी बेसिक क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस हर एक अकाउंटेंट के नॉलेज में होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, विद आंसर आपके साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा एंड तक कंप्लीट देखना, तभी आप प्रॉपर बातें समझ पाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी, GST है जो भारत के अंदर लागू कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा भी ये जो 29 मार्च 2000 को इसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था, लेकिन ये 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर जो GST टैक्स है वो लगना स्टार्ट हो गया था। यानी कि इसकी जो इफेक्टिव डेट है GST टैक्स का इफेक्ट होने वाली, वह है 1 जुलाई 2017 से। तो दोस्तों, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है भी जो GST नंबर होता है उस GST नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों, जो GST के जो नंबर होते हैं उसके अंदर 15 डिजिट होते हैं। अब 15 डिजिट किस तरीके से हो सकते हैं, इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत के जो दो डिजिट होंगे वो आपका स्टेट का कोड रहेगा। जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो जो राजस्थान का कोड है वो 08 है, तो शुरुआत में रहेगा 08। उसके बाद के अंदर 3 से लेके 12 तक की जो संख्या रही उसके अंदर रहेगा पैन कार्ड की संख्या। अगर आपकी कोई फर्म है तो आपके जो पार्टनरशिप फर्म का जो पैन नंबर है वो लगेगा, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका पर्सनल जो पैन नंबर है वो लगेगा। तो यानी कि यहाँ तक हो गए ये 12 डिजिट, 2 तो हो गए स्टेट के डिजिट और 10 डिजिट हो गए आपके पैन नंबर के। और उसके बाद के अंदर जो 3 डिजिट बचे हैं उसके अंदर जो 13वां डिजिट होता है वो एंटिटी कोड का होता है, 14वां और 15वां जब भी हम अप्लाई करते हैं ये ऑटोमेटिक हमें पता लगता है, इसके पहले हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते भी ये हमारा नंबर है जो क्या आने वाला है। तो शुरुआत आपको जो 12 अक्षर है वो आपको कन्फर्म होते हैं भी, शुरुआत के अंदर 2 अक्षर आपका स्टेट का कोड और आपका पैन नंबर। अब 13, 14 और 15वां जो कोड होगा वो कुछ भी आ सकता है, वो अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भी GST के जो टैक्स है वो कितने टाइप के टैक्स है जो लगते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि हम टेली सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, तो जैसे भी हम GST का कोई लेज़र हम क्रिएट करते हैं या जब हम कोई स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं तो उसके दौरान जब हमारे से GST से संबंधित कोई डिटेल मांगी जाती है तो आपने देखा होगा ये हमारा टैक्स के टाइप होते हैं। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 4 टाइप के टैक्स यूज होते हैं, हालांकि चौथा लगता नहीं है। सबसे पहला लगता है IGST टैक्स यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके बाद में CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा टैक्स स्टेट टैक्स का यानी कि SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और चौथा लगता है सेस। तो ये बहुत ही रियर केसेस के अंदर लगते हैं, लग्जरी गाड़ियों पे कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो इस GST सेस के अंडर में आते हैं तब हमें यूज करना होता है। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं भी जो टैक्स के जो टाइप है वो 4 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो 3 ही होते हैं, IGST CGST और SGST टैक्स। तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है भी जो GST का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितनी कैटेगरी के अंदर होता है? तो दोस्तों, जो GST का रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 कैटेगरी के अंदर होता है। कौन कौन सा होता है? एक रहता है रेगुलर का, क्योंकि जब भी हम कोई लेज़र क्रिएट करते हैं तो आपने लेज़र क्रिएट करते हुए दौरान भी आपने ये चीज़ देखी होगी भी जब हम यहाँ पर कोई लेज़र क्रिएट करते हैं और लेज़र क्रिएट करने के बाद जब हम बात आती है हमारी रजिस्ट्रेशन टाइप की, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के आपका होता है
या तो आपका रहेगा रेगुलर या फिर रहेगा कंपोजिशन, यानी कि दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, रेगुलर का और कंपोजिशन का। अब रेगुलर और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की बातें हैं, तो इसका वाले हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ एक बातें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर भी पता लग जाएगी। तो यानी कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो रेगुलर डीलर में और कंपोजिशन डीलर में दो टाइप से हो सकता है। उसके बाद भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उसमें आ जाएगा भी जो जीएसटी की जो रिटर्न होती है वो कौन सी डीलर को किस प्रकार से रिटर्न फाइल करनी होती है। तो दोस्तों अगर आपका आंसर इसका ये रहेगा भी अगर कोई कंपनी रेगुलर के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो उसको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करनी होती है। अगर हम बात करें भी कंपोजिशन डीलर की तो इसके अंदर हमें CMP 08 के लिए कंपोजिशन डीलर के लिए फाइल करनी होती है। तो अब हम बात करते हैं भी मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलता है भी जब हमारी कंपनी का जब हम GST नंबर डालते हैं, हमारी खुद की कंपनी का GST नंबर हम कहाँ डालेंगे, F11 पे जाते हैं, GST टैक्सेशन पे डिटेल पे जाते हैं, इंटरप्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन डिटेल आता है भी आपका जो GSTR 1 का जो है वो मंथली है या क्वार्टरली है। तो दोस्तों अगर आपकी फर्म GST रेगुलर में रजिस्टर्ड है, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको GSTR 1 मंथली फाइल करनी पड़ेगी, अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा भी अगर कोई भी ऐसी कंपनी ऐसी कोई फर्म जो रेगुलर में रजिस्टर्ड है और टर्नओवर उसकी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो GSTR 1 और GST 3B को मंथली फाइल करेंगे, अदरवाइज क्वार्टरली रिटर्न है जो फाइल करेंगे। हाँ अगर आपकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम है लेकिन आप रजिस्टर्ड पार्टियों को सबसे ज़्यादा सेल करते हो तो उसके दौरान आपको मंथली है जो IFF है जो वो फैसिलिटी आपको हर मंथ एक तरीके से रिटर्न है जो फाइल करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। तो दोस्तों इंट्रास्टेट का मतलब हो गया अगर हम हमारे राज्य के अंदर ही कोई लेन देन करते हैं यानी कि कोई परचेज या सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं CGST टैक्स और SGST टैक्स है जो चार्ज करते हैं, तो वो हो गया हमारा इंट्रास्टेट। अगर हम किसी दूसरे राज्य के साथ यानी कि दूसरे स्टेट के साथ अगर हम उससे कोई परचेज कर रहे हैं या फिर हम हमारे स्टेट से अदर स्टेट के अंदर कोई सामान हम सेल कर रहे हैं तो हम IGST को यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर हम विद इन स्टेट कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इंट्रास्टेट हो रही है, और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं परचेज या सेल से रिलेटेड तो हमारी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भी जब हम टेली सॉफ्टवेयर में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें GST के लेजर क्रिएट करना होता है तो हमें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर चाहे हम CGST का टैक्स का हम लेजर क्रिएट करते हों चाहे SGST है या फिर IGST है तो जो हमारा ग्रुप रहता है लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसका पार्ट आता है करंट लाइबिलिटीज का, और इसके अंदर जैसे हम ड्यूटीज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड के टैक्सेस के अंदर हमारे से ये कैटेगरी पूछता है किस टाइप की कैटेगरी है तो हमारी GST है। तो GST के बाद हम जैसे इसको आगे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में टैक्स टाइप भी हमारे से पूछा जाता है भी ये सेंटर का टैक्स आप क्रिएट कर रहे हो कोई सेस का क्रिएट कर रहे हो या फिर IGST क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई स्टेट का टैक्स यूज करते हो। तो यानी कि सेंटर का टैक्स हो गया CGST टैक्स, आपको इस तरीके से देखना सेंटर यानी कि CGST टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि IGST टैक्स, और स्टेट का टैक्स हो गया SGST टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया भी GST इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों GST इनपुट यानी कि इनपुट टैक्स वो हो गया जब हमने कोई गुड्स परचेज किया हमारे सप्लायर से तो जो हमने टैक्स पे किया है परचेज इनवॉइस के ऊपर तो हमारे लिए इनपुट का पार्ट है, और जो हमने सेल इनवॉइस पे हमारे कस्टमर से जो चार्ज हमने किए वो हमारे लिए आउटपुट का पार्ट होता है। यानी कि टैक्स पेड ऑन परचेज पे इनपुट और टैक्स चार्ज ऑन सेल इनवॉइस वो हमारा होगा आउटपुट का टैक्स। इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट टैक्स के हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भी इसके अंदर जो GST रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो कितनी होती है।
तो दोस्तों अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस है 5 से 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन होती है तो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। तो उसकी लिमिट कहाँ तक होती है, तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो 40 लाख रुपए तक, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके 20 लाख तक, यानी कि अगर वो 20 लाख से ज़्यादा की अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अगर कोई ट्रेड का बिजनेस करता है और उसके जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा की है तो वो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके 40 लाख होने के बाद के अंदर ही उसको जीएसटी नंबर लेना है, अगर वो चाहे तो वो अपना अगर उसके टर्नओवर 1 रुपए की है तो भी वो जीएसटी नंबर ले सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कंपोजिशन डीलर का जो टैक्स रेट होता है यानी कि आउटपुट जो टैक्स है वो किस प्रकार से पे करता है। तो दोस्तों जो कंपोजिशन टैक्स है वो अगर कोई ट्रेड है या फिर कोई मैन्युफैक्चर का बिजनेस है तो 1% का कंपोजिशन टैक्स उसको देना पड़ता है। इसके अंदर क्या रहेगा, 0.5 सीजीएसटी टैक्स रहेगा और 0.5 एसजीएसटी टैक्स रहता है। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसके दौरान उसको कंपोजिशन टैक्स है जो 5% आउटपुट उसको देना पड़ता है, जिसके अंदर 2.5 यानी कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी टैक्स। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको 6% के हिसाब से कंपोजिशन टैक्स है जो पे करना पड़ता है, 3% सीजीएसटी टैक्स और 3% एसजीएसटी टैक्स के रूप में। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक लेवल के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस लेवल के बारे में। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम आपका इस वीडियो से जो क्वेश्चन हमारे पास जो भी आएंगे जो भी क्वेरी आएगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके अंदर 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।